चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दहते विश्वास कहानी को पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेखक परिचय को जान लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेखक परिचय से ही पूछे जाते हैं। तो दहते विश्वास कहानी के लेखक सतकोरी होता जी हैं, जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को मयूरभंज के उड़ीसा में हुआ था। लेखक सतकोरी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। यह कहानी दहते विश्वास उड़िया के चर्चित कहानियाँ विभूति प्रकाशन दिल्ली से यहाँ सवार संकलित हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। तो यही था आपका लेखक परिचय। अब चलते हैं इस कहानी की ओर। इस कहानी में लक्ष्मी नाम की एक औरत है, जिसका पति लक्ष्मण कलकत्ते में नौकरी करता है। वह कलकत्ते से जो कुछ भी पैसे भेजता है, उससे लक्ष्मी के परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है, जिसके कारण से लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ छिटपुट का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है। लक्ष्मी के परिवार में दो बेटे और दो बेटियाँ थी, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम अच्युत था। लक्ष्मी के गाँव की स्थिति यह थी कि हमेशा वहाँ के लोग कभी बाढ़ से, कभी सुखाड़ से, तो कभी तूफान से प्रभावित रहते थे। यानी वहाँ का फसल या तो सुखाड़ से बर्बाद हो जाते थे और नहीं तो बाढ़ से। यानी लक्ष्मी का गांव हमेशा बाढ़, सुखाड़ और तूफान से प्रभावित रहता था। जब लक्ष्मी पहली बार अपने ससुराल आई थी, तब उस समय दलई बांध टूटने की वजह से भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा था। यानी उस समय दलई बांध टूटने के कारण बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति पहुँची थी। ठीक उसी प्रकार इस बार भी दलई बांध टूटने की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि सूर्य ने लगभग 8 दिनों से अपना चेहरा नहीं दिखाया था। यानी लगातार 8 दिनों से लक्ष्मी के गांव में बारिश हो रही थी। अब पड़ोसन का लड़का गुणनिधि एक दल का गठन करता है और दलई बांध की सुरक्षा में लग जाता है। लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। लक्ष्मी के गांव में भगवान शिव और माँ मुंडेश्वरी का मंदिर था। वहां पर लोग हर मौसम के अनुसार पूजा पाठ किया करते थे, बलि दिया करते थे, ये सोचकर कि जब हमारे पास मुसीबत आता है, कोई संकट आता है, तो भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। यानी वहां के लोगों का भगवान के साथ अटूट विश्वास जुड़ा था। गाँव के कुछ लोग दलई बांध की सुरक्षा में लगे हुए थे, यहाँ तक कि लक्ष्मी भी अपने बड़े बेटे अच्युत को दलई बांध की सुरक्षा में भेज दी थी। लेकिन फिर भी दलई बांध टूटने की स्थिति में थी। बांध टूटने की स्थिति को सरपंच देखकर गांव भर में यह मैसेज फैलाने को कहता है। यह बात गांव भर में कुछ ही समय में बहुत जल्दी फैल जाती है। तब सरपंच गाँव के लोगों को कुछ खाने पीने की सामान लेकर ऊँचे स्थान पर जाने को कहता है, क्योंकि बांध कभी भी टूट सकती थी। जब दलई बांध टूट जाता है, तब उसके जल की रफ्तार इतना अधिक रहता है कि बहुत सारे पेड़ पौधों और घरों को निगलने लगता है। अब गांव के बहुत सारे लोग माँ मुंडेश्वरी और भगवान शिव के मंदिर में शरण लेते हैं और त्राही त्राही करने लगते हैं, और भगवान शिव और माँ मुंडेश्वरी से कहने लगते हैं कि हे भगवान, आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। लेकिन जल की रफ्तार इतना तेज रहता है कि वह भगवान शिव और माँ मुंडेश्वरी के मंदिर को अपने चपेट में ले लेता है। अब इधर लक्ष्मी अपने बेटे अच्युत के इंतजार में पिछड़ गई थी। वह अपने अच्युत का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब पानी उसके गर्दन तक हो जाती है, तब वह एक वृक्ष के जटाओं को पकड़कर उस वृक्ष के सबसे ऊंचे डाली पर चढ़ जाती है, और फिर कुछ समय के बाद वह बेहोश हो जाती है। जब लक्ष्मी को होश आता है, तब वह अपने समीप अपने छोटे लड़के को न पाकर बहुत दुखी होती है। जब लक्ष्मी इधर उधर चारों दिशाओं में देखती है, तब लक्ष्मी को चारों दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। कोई भाई अपनी बहन की तलाश कर रहा था, कोई माँ अपने बेटे की तलाश कर रहा था, कोई पति अपनी पत्नी की तलाश कर रहा था। मतलब चारों दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मची हुई थी, सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। जब लक्ष्मी के पास एक छोटे बच्चे का मरा हुआ शरीर आता है, तब लक्ष्मी उसे अपना बेटा समझकर अपने सीने से लगा लेती है और दूध पिलाने लगती है। लेकिन रियल बात तो यह थी कि वह लड़का लक्ष्मी का बेटा नहीं था।
अब लोगों का भगवान पर से विश्वास उठने लगा था। लोग ये सोचने लगे थे कि हम लोग भगवान पर बार बार विश्वास करके ठगे जा रहे हैं। यदि हम लोग खुद पर विश्वास किए रहते और गांव के सारे लोग उस बांध के समीप सिर्फ खड़े हो जाते तो शायद बांध नहीं टूटता। तो यही दोस्त कहानी थी दहते विश्वास। अब इस कहानी से आप क्या सीखे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमें जीवन में खुद से ज़्यादा किसी और पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, वो भले ही चाहे कोई और हो या भगवान हो।